उर्मिला। हेलो, बेंगलोर केटरिंग इंस्टीट्यूट, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, वो जरा महेंद्र ठक्कर को बुला दीजिए ना प्लीज। कौन वो हैंडसम? वो तो मेरे सामने ही खड़े हैं। अरे क्या बताओ, क्या मेहनत करते हैं वो। वो वहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका सर्टिफिकेट आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। हा? मैं पत्नी हूँ उनकी, मुझे उनकी मेहनत पता है। हा? उसका एक नतीजा भी है मेरे पास, गायत्री नाम का, समझ गई? चलो भाई फोन दो चुपचाप। हाँ हाँ देती हूँ। मिस्टर हैंडसम, आपकी बीवी का फोन है। हाँ बोल उर्मिला। हाँ महेंद्र, ये वाईडी से जरा दूर ही रहना। जलन हो रही है? जलन और मुझे? ना रे ना, मुझे पूरा विश्वास है महेंद्र अपने आप पर। अच्छा अभी सुनो, गणेशोत्सव आ रहा है। हाँ, हाँ। तो गणेश जी को घर पर लाकर पहली आरती आप ही को करनी है। अपना वचन याद है ना महेंद्र? अरे हाँ हाँ उर्मिला, तू चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा घर। और अभिषेक को मेरी याद देना। हाँ, और उसको बोलना कि गायत्री उसको बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है, तो उसको जल्दी कुछ यादगार करना पड़ेगा। हाँ, मींस के अभिजय श्री कृष्ण आ जाओ। मर गए अभिषेक, मुझे गणपति में अपने घर जाना ही होगा। मैं कैसे भूल गया कि मरते हुए बापूजी को मैंने वचन दिया था कि हर साल गणपति लाऊंगा घर में और पहली आरती मैं ही करूंगा। अब बनाइए मोदक बैठ के अपनी बेटी के साथ। नहीं नहीं अभिषेक, मुझे कुछ भी बहाना करके अपने घर जाना ही होगा। पापा, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। अरे मैंने तो अपने मरते हुए बापूजी को वचन दिया था, तो मैं टाल नहीं सकता। तूने कौन सा वचन दिया है? वचन मैंने नहीं, अन्ना ने दिया है, जिसका पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। अन्ना भाई ने? आहो, आप भूले तो नहीं अपना वचन इस बार? जोत्सना, वो अभिषेक भूल सकता है अपने बाप को, बाप के संस्कार को, बाप की परंपरा को? मैं बाप हूं, मैं नहीं भूलता वचन बिचन। मुझे अभी भी याद है वो दिन। चलो अभी बाप्पा की आरती शुरू करें। पर अन्ना वो क्या क्या प्रभाकर दादा, आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए मैं कर लेता। नहीं, आज आरती मुझे करनी है केशव दादा। अन्ना दादा को बोलो ना, मुझे करनी है आरती। अभिषेक बड़ा, तू अभी छोटा है, तुझसे नहीं होगा। होगा आई, मैं कर लूंगा। अरे नहीं बड़ा, वो आरती ना गर्म होती है, तो तेरा हाथ जलेगा ना, तो दिया गिर जाएगा बड़ा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा अन्ना, एक बार मुझे आरती करने दो ना। मानेगा नहीं, हाथ में चटका लगेगा ना, तभी पता चलेगा। अच्छा कर बड़ा, कर बस, तू कर आरती, कर कर। चल शुरू करे आरती। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुर्मि देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुर्मि देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुर्मि देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुर्मि देव सर्व। गणपति बप्पा मोरया। अरे देवा, चल चल चल, आज जल गया तेरा बाड़ा। लेकिन मैंने दिया गिरने नहीं दिया, तो हर साल मैं आरती कर सकता हूँ ना। ठीक, अभी मैं वचन देता हूँ तुझे, गणपति स्थापना के बाद सबसे पहली आरती हर साल अभिषेक ही करेगा, है कि नहीं? बोलो हाँ। अन्ना तो बुला ले अभिषेक को। ठीक है, बुला लो उसे, लेकिन साफ साफ कह देना कि मात्र बाप्पा की आरती के लिए आ रहा है वो, आरती समाप्त होते ही उसे जाना होगा। जैसे आप कहे अन्ना, अभिषेक को रिटर्न टिकट ही निकालने को बोलेंगे हम। अरे भाई जरा जोर से हो गया। वहिनी, ये कैसा इशारा था रिटर्न का? अरे वो नागपुर वाले काका, उनकी वो बहू है ना अमेरिका रिटर्न, वो ऐसी ही तो नाचती है,
तो हुआ ना ये रिटर्न का इशारा। सासु भाई कल सुबह ही अभिषेक को फोन लगा लेंगे। गायत्री कल शाम को ना मुझे अपने गांव के लिए निकलना होगा, गणपति है ना तो एक दिन के लिए जाना जरूरी है। लेकिन चंद्रमुखी आंटी मोदक का इतना बड़ा ऑर्डर हमने आपके भरोसे ही तो लिया है, वो कैसे होगा मैनेज? तो मैं हूँ ना गायत्री, सासु भाई का सारा काम मैं कर लूंगी, बस मेरा जोश बढ़ाने के लिए तुम मुझे जादू की झप्पी देते रहो। इसी बात पे एक जादू की झप्पी। सुलक्षणा लेकिन आंटी आप एक दिन में वापस आ तो जाएंगी ना? मन तो मेरा भी नहीं है तुझसे दूर जाने का गायत्री, लेकिन क्या करूं, वो तो मेरा नियम है ना गांव जाने का गणपति के लिए, इसीलिए। वैसे सुलक्षणा है ना वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, वो ना सुन भाई। बरोबर बोली सासु भाई। गायत्री एक झप्पी। अरे काकी कल आप जा रही है तो फिर हमारे अभिषेक से नहीं मिल पाएंगे। अभिषेक से? हाँ आई अभिषेक को फोन करके बुलाने वाली है, वो क्या है ना गणेश उत्सव में हमेशा पहली आती अभिषेक ही करता है। तो उसको तो आना ही होगा। मैंने पापा से पहले ही कहा था अन्ना मुझे आरती के लिए तो घर बुलाएंगे बुलाएंगे, फंस गया ना अब, सुलक्षणा और अभिषेक को एक साथ इस घर में कैसे हाजिर करूंगा। पापा मैं पापा मैं आपको कह रहा था पहली आरती के लिए अन्ना मुझे घर बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन आप माने ही नहीं, अब क्या करूं बता, अभिषेक और सुलक्षणा एक साथ कैसे लाऊं? तू सब कुछ मुझे ही पूछेगा, खुद भी तो कुछ सोच। और अभिषेक वो क्या लगा के रखा था तूने? गायत्री एक जादू की छप्पी। गायत्री और एक छप्पी? मैं खड़ा था वहां, कम से कम मेरी तो शर्म करता। पापा आप बोल रहे हो हमारी शादी हुई है, हक है मेरा, और आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है। मेरा क्या प्रॉब्लम है? गले तो आप भी लगाना चाहते हो ना अपनी बेटी को, यही प्रॉब्लम है ना आपका। वो सब छोड़ पहले ये बता ये कैसे मैनेज करेगा तू? वो नहीं पता पापा, जो होगा वो देखा जाएगा। कहीं तू पकड़ा गया ना तो अन्ना भाई के हाथों पीटते हुए मुझसे नहीं देखा जाएगा। कहा पता पूछने पर हम गलत पता बताते हैं, चलो निकलो वरना फाड़ दूंगा पता। अरे अभिषेक मेरी ये नकली मूछें ठीक तो लग रही है ना? मूछें तो ठीक है, आपकी चाल संभालिए, अंदर जो चंद्रमुखी है ना उसे बाहर निकालिए वरना लोगों को शक हो जाएगा आपकी चाल चलन पर। वो है ना आ गए, आ गए मेरे करण अर्जुन आ गए। अन्ना भाई आपने बुलाया था ना और ये दोनों आ गए। तो आ गए हैं तो मैं क्या करूं, आरती उतारूं? वैसे भी महादेव पेट में बहुत सारे लोग यहाँ वहां घूमते रहते हो कि ना अन्ना? बरोबर बोला मेरा केशव। वैसे भी मैंने इसे इसलिए बुलवाया है क्योंकि मैंने इसे वचन दिया था जब छोटा था तभी कि गणेशोत्सव में हर साल पहली आरती इसी से करवाऊंगा, और मैं अपना वचन निभाता हूँ। वचन तो मैं भी निभाऊंगा अन्ना, आपके विचारों को बदलने का वचन, आपकी परंपरा को मेरे परिवर्तन से हराने का वचन। केशव इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कभी नौ मन तेल आएगा और कभी राधा नाचेगी। राधा तो कब से इनके सामने लपा के झपा के नाच रही है, लेकिन इन्हें पता नहीं। अभिजीत बेटा चल तू घर चल, तेरी मम्मी है ना वो अपनी अरे अपना क्या नाम है उनका, नहीं 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 कोई मुझे याद मत करवाना, मुझे अभी आ जाएगा, अभी आएगा जो जो अपना ज्योति झूला, नहीं नहीं ज्योति माला, नहीं नहीं ज्योत्सना ज्योत्सना ज्योत्सना। ओ बेन अन्ना भाई बुला रहे जाए। नहीं 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 आपको नहीं, आप जाइए। वैसे भी आपका नाम तो सीमा वहीनी है ना। जाइए क्षमा करा। मम्मी मेरी आई का नाम ज्योत्सना है। नहीं बेटा ऐसे आई को नाम से नहीं बुलाते। हाँ जा घर जा,
वो तेरी राह देख रही होगी है। अन्ना आपके लिए होटल का रूम बुक करना पड़ेगा ना। होटल होटल क्यों? अभिषेक आ गया वो घर में रहेगा तो आपके लिए तो होटल का रूम ही बुक करना पड़ेगा ना। अरे बाप रे, कहीं हमारी वाली होटल में ना ले जाए अन्ना भाई को। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं अन्ना, मैं घर नहीं आने वाला, आरती के लिए आया हूं। आरती के लिए घर आ जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। मम्मी चलिए अपने घर। हाँ, चल। क्यों रही हो? अपना घर होते हुए भी ससुराल में रहेगा, आई को भी मिलने नहीं आएगा, अपनी जिद नहीं छोड़ेगा लड़का। हे भगवान, बैग के अंदर तो चंद्रमुखी का पूरा गेटअप है। उर्मिला ने देख लिया तो मर जाऊंगा। अरे ए, 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 अरे महेंद्र, तुम क्या कर रही हो तुम? हाय हाय, ये आप क्या कर रहे हैं? तू ये बैग क्यों खोल रही है? ले, उसमें क्या है? आप जब जब बाहर गांव से आते हैं तो मैं आपकी बैग खोल के देखती तो हूँ कि आप मेरे लिए वहां से क्या लाए। ए डोबी, मैं कहीं घूमने गया था वहां तो तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगा। जा पहले चाय बना कर ले आ। महेंद्र जरा हटिए तो। अरे ऐसा क्या है इस बैग में? मैं नहीं खोलने दूंगा। पापा क्या बचपना कर रहे हो?